सो हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका अनवर वॉच विद फॉक्स में। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि एक छोटे भाई और बड़े भाई की तरफ से एक मतलब एक एडवाइस देने वाला हूँ, मतलब दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ जो लोग कनाडा नहीं आए, जो आने वाले हैं, नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं, उनके लिए कि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं वो आपको ना करना पड़े, आपको ना फेस करनी पड़े, और जो जो कमियां मतलब मुझे लगी अपने अंदर, मतलब कि मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं करके आया था, किन किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, उन चीज़ों पर आप ध्यान दो और मतलब आपको वो कमियाँ फील ना हो और आपको उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो अगर इनके भी अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नॉर्मली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। मुझे मतलब अभी तो बहुत छोटा चैनल है, पर फिर भी जैसे किसी को मतलब मेरे चैनल मिलता है तो मुझे मैसेज कर देते हैं और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हाँ, मैं कॉल पर कभी कभी बात नहीं कर पाता, काफ़ी लोगों ने मतलब एक दो लोगों ने बोला कि भाई कॉल कर, तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं लिटरली यहाँ पर काफ़ी बिजी रहता हूँ। सो जो कभी मैं बस में बैठ रहा होता तब आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है तब मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, तो ऐसे रिप्लाई करता तो उस टाइम में कॉल पर बात नहीं कर सकता। पर कोई नहीं, फिर भी आपका मतलब आप मैसेज करोगे तो मैं उसका रिप्लाई मतलब जितना मुझे पता होगा उसके हिसाब से तो ज़रूर दूंगा। अभी तो मैं नया हूँ यहाँ पर फिर भी जितनी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में तो बता ही सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरी पहली एडवाइस है कॉलेजेस को लेके, देखो इस बात को गांठ बांध लेना कि जो भी कोर्स लोगे बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब चूज़ करना, मैं मतलब फोर्स कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब चूज़ करना उस कोर्स को। सॉरी गाइस, वो मेरा रूममेट आ गया था तो मैं बता रहा था कि जो भी कोर्स लोगे बहुत ध्यान से चूज़ करना, जहाँ भी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे और जो कोर्स चूज़ करोगे, मतलब उस जगह को देख लेना कि वो जो आप कोर्स ले रहे हो उससे रिलेटेड जॉब्स उस जगह अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको इंडिया में हो तो इतना एहसास नहीं हो, पर सोचोगे कि कुछ भी कोर्स कर लेंगे फिर उससे जॉब मिली जाएगी, कैसे भी करके ढूंढ लेंगे, पर मतलब इंपॉर्टेंट है उस जगह मतलब वो जॉब होनी चाहिए। और इसी में एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे ज़्यादातर इंडिया में ऐसी सोच है, मेंटालिटी है कि डिग्री बहुत ऊपर है डिप्लोमा से, ऐसा बोला जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि डिग्री ऊपर मतलब थोड़ा मतलब अच्छी मानी जाती है डिप्लोमा से, पर यहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स डिप्लोमा ही करते हैं। अब आप खुद सोचो, आप डिग्री लेके आए हो 4 साल की, अब आप यहाँ 4 साल पढ़ाई करोगे, 4 साल पढ़ाई करने के बाद आप 5वें साल में अपने पीआर के लिए अप्लाई करोगे, मतलब काम घूम करके पीआर के लिए अप्लाई करोगे, सोचो आपको 6 साल निकल जाएंगे, सोचो खाली पीआर चाहिए पीआर के लिए। तो पता है यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो कोई भी 1 साल का कोर्स लेके आ जाते हैं, उसके बाद अपनी वर्क परमिट मिलता है तो पीआर अप्लाई कर देते हैं, पीआर मिल जाती है, फिर उसके बाद वो अपना नॉर्मल मतलब डिग्री करनी होती है डिग्री करते हैं, कोई भी फर्दर स्टडी करनी होती है वो करते हैं। अब वो सोचो ऐसा क्यों करते हैं, इतना टाइम लगा के मतलब उनका 1 साल तो वेस्ट किया, मतलब उसमें छोटा मोटा डिप्लोमा ले लेते हैं, पर वैसा क्यों करते हैं पता है। जो अगर कोई बंदा इंडिया से आता है मतलब या कोई भी फॉरेन कंट्री से आता है तो उसको इनटू 3 करके फ़ीस देनी पड़ती है। सोचो जैसे कि मेरी फ़ीस, अगर मेरी पीआर रखी मुझे यहाँ पे कॉलेज में ना सिर्फ मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 30,000 देनी पड़ती ना तो जो बंदा इंडिया से आएगा ना उसे 90,000 देनी पड़ेगी, सोचो इतना डिफरेंस। तो जैसे काफ़ी लोग ऐसा करते हैं जिन पे पैसा नहीं होता तो 1 साल का कोर्स लेके आ जाते हैं, उसके बाद पीआर ले लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज में कोई मतलब जो उनको पसंद होता है वो कोर्स मतलब अप्लाई करते हैं, वो कोर्स लेते हैं। और हाँ, जैसे काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है कि मैं डिप्लोमा करूँगा, डिप्लोमा मतलब एक इंडिया में एक बना होता है कि इसने डिप्लोमा कर रखा है, मतलब हर बंदा इंडिया में अगर करता है तो डिग्री करता है, डिप्लोमा वाले बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, नॉर्मल एवरेज बंदा डिग्री की तरफ ही जाता है इंडिया में, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब जैसे जितने लोग डिग्री करते हैं उतने ही लोग, उससे मेरे हिसाब से तो शायद ज़्यादा ही लोग मतलब जो बाहर से आते हैं वो डिप्लोमा करते हैं, और जॉब भी मिल जाती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, जो करने वाला बंदा होता है निकाल लेता है जॉब, उसे बहुत आराम से मिल जाती है। अब मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो उससे थोड़ा मतलब पता चला है। वैसे तो देख तो आप भी रहोगे, अगर आप कनाडा आ रहे हो तो मुझसे ज़्यादा ही देख रहे होगे, तो मतलब कुछ इन चीज़ों पर ना थोड़े ज़्यादा फोकस करना कोर्स में, क्योंकि मैं भी देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं 4 साल का कोर्स लेके आ रहा था, फिर मुझे एक दीदी ने बताया कि भाई तू फंस गया। अब सोचो मैं फ़ीस भर के आ रहा हूँ काफ़ी लाखों रुपए, और मेरे उसमें पॉलिसी है कि मतलब आधी फ़ीस मिलेगी और आधी नहीं मिलेगी, मतलब क्योंकि मैंने 1 सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया, अब मैं दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस अगर बाय चांस मैं चेंज करूँ तो मेरे को खाली 1 ही सेमेस्टर की मिलेगी, तो सोचो लाखों रुपये गए मेरे।
अब इतना पैसे भी नहीं है, हम इतना फाइनेंशियली बहुत बहुत अच्छे भी नहीं है कि मतलब हर मतलब अगर मैं कॉलेज चेंज करूँ तो फिर 12-15 लाख रुपए फिर और ला सकें। क्योंकि मैं एक बार ऐसी देख रहा था कि मतलब मैंने कॉल कुल करके पता करा था कि अगर मैं चेंज करूँ तो कितना पैसा तक लग सकता है, तो मतलब एक कॉलेज देख रहा था मैं, तो पता लगा कि बहुत लगेगा। तो इस वजह से मतलब इंडियन के लिए तो यही रिकमेंड करूँगा कि मतलब रिकमेंड एक तरीके से कि डिप्लोमा आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपकी पीआर जल्दी हो चुकी जिसको, क्योंकि यहाँ जाते हैं लोग पीआर के पर्पस ही आते हैं, फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि मतलब जैसे ट्रक वगैरह चलाना या फिर कोई अगर मतलब पीआर चाहिए होती है ज़्यादातर लोगों को ही होता है। अब जिसको जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सोच रहा है मुझे इंजीनियर ही बनना है जाके या किसी को डॉक्टर ही बनना है जाके, तो वो ले सकता है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा। पर जहाँ तक मैंने देखा ज़्यादातर लोग पीआर के लिए ही आते हैं। अब डिग्री वाले नाराज़ मत हो जाना मेरे से कि ये तो बोल रहा कि डिप्लोमा ज़्यादा अच्छा है ये वो। सो अगर आपके पास पैसा है और आपके पास मतलब टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी डिग्री से। और बस हाँ, स्टार्टिंग में आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, मतलब पानी की तरह बहेगा पैसा, और आप सोचते हो कि पार्ट टाइम जॉब से आप अपनी कॉलेज की फ़ीस निकाल लोगे, उन 3-4 साल की डिग्री की कोर्स की फ़ीस, तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब जॉब से तो नहीं निकाल सकते आपने, अगर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई साइड हसल कर रहे हो, खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, तो हो सकता है, तो हो सकता है। अब ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बोलूँगा कि कोर्स बहुत ध्यान से चूज़ करना। तो अपने कोर्स चूज़ कर लिया, अब सेकेंड चीज़ आ जाती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ें एजेंट के ऊपर छोड़ दी थी, जो वो कर रहे हैं मैं आग बंद करके, मैं बहुत आलसी हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत आलसी हूँ, मैं आग बंद करके बैठ गया कि जो करेगा एजेंट करेगा, हमने पैसे दे रखे, उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कॉलेज की तरफ से उन्हें भी प्रॉफिट मिलता है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पर हमें वहाँ एडमिशन दिलवाएंगे और हमारे सारे काम करेंगे और हमें वहाँ भेज के रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मैं इसलिए आग बंद करके बैठ गया। तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, सच में बिल्कुल नहीं करनी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था इसी वजह से। देखो जैसे मैंने कॉलेज में एंट्री ली, मुझे लगा सब कुछ वहाँ पे बता देंगे मुझे क्या क्या करना है, परंतु वहाँ सब कुछ कॉलेज की वेबसाइट पे होता था। अब टीचर को कुछ भी बोलना होगा, वो चिल्ला के कुछ नहीं बोलेगी, वो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके वो बता देंगे उन्हें जो भी बताना होगा। वहाँ एग्ज़ाम भी ऐसे नहीं बोलेंगे मुँह से, बोल देंगे अगर मतलब कुछ कुछ लोग बोलते, कुछ कुछ नहीं बोलते, वो वहाँ पे अनाउंसमेंट बता देगी आपके एग्ज़ाम है। वहाँ असाइनमेंट का अलग सेक्शन होगा, वहाँ टेस्ट का अलग सेक्शन होगा, क्विज़ का अलग सेक्शन होगा। और मैं वहाँ गया, मैं देखो ये क्या है, वेबसाइट मैंने एक दो बार खोली है पासवर्ड वगैरह बनाने के लिए, मैंने बोला ये क्या है, मुझे कुछ चलाना नहीं आ रहा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, पर भगवान ने पता नहीं किस्मत या क्या था, एक दिन मैं ऐसी मतलब बस में बैठ रखा था, एक दीदी दिखी, मतलब बस में बैठा था, उनके साथ बैठा था, और मैं उतरा तो पता नहीं उन्होंने एकदम से मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि कहाँ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, सॉरी गाइस वो थोड़ा फ्लू टूट जा रहा है, वो बात है ना जो रूममेट है मतलब जो साइड में रहते रूम के, तो थोड़ा मतलब खाना बना रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वीडियो का फ्लो टूट जा रहा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे वो दीदी मेरे पास आई, उन्होंने मतलब ऑटोमेटिकली मतलब उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला यूनिवर्सिटी, फिर हमने नेक्स्ट बस मतलब खुद ही मेरे को बोल रही कि चलो आओ चलते हैं खुद, भाई देखो ऐसा कोई पर्सनली बोलता नहीं, पर उन्होंने बोला मुझे और हम साथ में अगली बस में बैठे और उन्होंने मेरी A to Z सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी किस्मत होती है, क्योंकि देखो मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, यहाँ बस मतलब जिस रूम में भी मतलब मैं रहता हूँ वो उनके जो मकान मालिक है वो भी इंडिया से हैं, पर उन्होंने यहाँ कॉलेज नहीं करा, वो डायरेक्ट वर्क परमिट पाए थे, तो कॉलेज की नॉलेज तो उन्हें भी नहीं थी बस। और कॉलेजेस में सब मतलब अपने से मतलब रखते हैं, जो बंदा एक बार मेरे आगे बैठेगा ना वो मुश्किल से ही कभी 1-2-3-4 महीने में कभी उसे मौका मिलेगा मेरे आसपास बैठने का, क्योंकि 300 बच्चों की क्लास होती है, 300 बच्चे की क्लास में अब ज़रूरत थोड़ी है वो बंदा हर समय वहीं पर बैठे मेरी क्लास में, और हर क्लास में और जो हर सब्जेक्ट की क्लास होती है ना अलग अलग जगह होती है, तो इस वजह से कभी मतलब कभी यहाँ बैठेगा वो बंदा, कभी वहाँ बैठेगा, पहचान होती है, मतलब 2-3 दिन साथ में बैठे हैं एक दूसरे को देखें, अब जो बंदा एक बार दिखता है दूसरी बार कभी दिखता ही नहीं वो तो ऐसे जान पहचान नहीं हो पाती सच में। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, एजेंट पे कुछ मत छोड़ना, सारी चीज़ें खुद के दिमाग से ओपन माइंड से एक्सप्लोर करना, सब कुछ खुद जानने की कोशिश करना, उनसे हर चीज़ पूछना कि ये क्यों है कैसे है, और वेबसाइट खासकर मतलब अच्छे से देख के आना, कोर्सेज ऐड करना ड्रॉप करना, कब कैसे कोर्सेज लेने हैं,
और बहुत सारे कोर्स मत लेना, जैसे शायद चार चार पाँच पाँच का पाँच कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं मेरे हिसाब से, कि आप मैक्सिमम पाँच ले सकते हो और मिनिमम शायद तीन ले सकते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसे जोश में मत आना कि मैं पाँच के पाँच कर दूंगा, थोड़ी हार्ड हो जाती है पढ़ाई, मतलब हार्ड नहीं होती मेरे हिसाब से, मतलब मेरे कॉलेज में ऐसा है बहुत जल्दी भगाते हैं बहुत जल्दी, तो इस वजह से। तो बस यही बोलना था कि एजेंट के ऊपर सब कुछ मत छोड़ना, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग मतलब जो भी मतलब यहाँ आएंगे वो एजेंट के थ्रू ही आएंगे, मतलब एजेंट ही करवाएगा जो भी करवाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सब किसी को इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो इसलिए मजाक नहीं कर रहा, ये चीज़ें बहुत हार्म कर देंगी, मतलब दिमाग ख़राब कर देंगी, यही चीज़ें डिप्रेशन का मतलब वजह बनती है कि आपसे कोर्स नहीं हो रहा आपके, मतलब बहुत अभी तो थोड़ा स्टेबल हूँ मैं, पर स्टार्टिंग में मैं देख रहा था कि कोर्स करूँ कैसे मैं, ऐसा था मेरे साथ। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको मतलब कोर्स बहुत ध्यान से चूज़ करना है, और दूसरा पॉइंट हो गया कि मतलब एजेंट के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना, वेबसाइट वगैरह और भी चीज़ें, मैं वेबसाइट की नहीं बोल रहा, और भी चीज़ें आपको खुद ही देखनी है, और मतलब क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, मतलब 7-8 महीने 1 साल चलता है, मतलब ये प्रोसेस ही मतलब इंडिया से यहाँ पे आने का जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए हर जगह अपना दिमाग खुला रखना और खुद की पूरी रिसर्च रखना, और जैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को भी कर सकते हो, या कोई और यूट्यूबर हो तो आप उसको भी मैसेज कर सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो सॉल्व कर देते हैं, पर जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं उन पर मतलब काफ़ी सारे मैसेज आते हैं तो नहीं कर पाते, तो आप मेरे को कर सकते हैं मतलब अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं, और मुझे ऐसा नहीं बोल रहा बहुत नॉलेज है, पर जो जो मुझे पता चला मैं वो बता रहा हूँ बस। और सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा पर सबसे मतलब अगर वो एडवाइस मानोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप बहुत दर्द से गुजरोगे। देखो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा ठंड होगी सह लूँगा, चलो ठीक है, कपड़े क्योंकि बहुत सारे लेके आ रखा था, बहुत सारे पहनता था मैं, तो मुझे लगा सह लूँगा। पर जब मैं पहली बार बाहर निकला, मैं 10 मिनट के लिए बाहर निकला, दूसरे मिनट मतलब फिर 10 मिनट बाद मैं अंदर था, मैं जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि ठंड थी बहुत, फिर मैं और कपड़े पहन के आया, फिर मैं निकल गया, मतलब जैसे तैसे करके निकल गया, ठीक है निकल गया, पर जाते जाते तो कुछ नहीं हुआ। जब वापस आ रहा था ना, जब वापस आ रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा, शायद ज़िंदगी में इतना दर्द, इतने लंबे समय तक दर्द मैंने पहली बार झेला। मेरे ये हाथ पांव पूरे सुन, मेरे पांव पूरे सुन, मतलब जूते थे मतलब, पर नहीं मतलब यहाँ पे नहीं हो पाता वो, जूते या ग्लव्स वगैरह किसी काम के नहीं, किसी काम नहीं आता। अगर आप सोचो 2 घंटे बर्फ में बाहर हो चल रहे, पाँव मैं मजाक नहीं कर रहा पूरे ठंडे पड़ जाएंगे, और आपको इतना गंदा दर्द होगा ना, इतना गंदा दर्द, आपको रोना आएगा कि मैं कहाँ फंस गया। अब ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, क्योंकि देखो मेरे को इतना यहाँ का पता नहीं था, मेरे को तो रोड क्रॉस करने तक नहीं आती थी तब मैं निकल गया था बाहर। अब उस समय मैं ऐसा कर सकता था, किसी भी स्टोर के अंदर जाकर थोड़ा बहुत घूम सकता था, थोड़ा हाथ पाँव का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकता था, पर मैंने मतलब थोड़ा मतलब पता नहीं था ना कि कौन सा स्टोर किस चीज़ के लिए, आप तो थोड़ा बहुत पता है वॉलमार्ट इस चीज़ के लिए, एवेन्यूअर्स इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे जाके इतना मतलब रह सकता थोड़ी देर। अब कोई छोटा सा स्टोर हो तो डायरेक्ट जाके पूछेंगे कि क्या काम है आपको, अब वहाँ घुस के तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से मैं काफ़ी मतलब ऐसा एक बार नहीं, मैं 2-3 बार घुसा हूँ, तो मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों से, मतलब जूते तो चलो इंडिया में शायद उस लेवल के ना मिले, पर ग्लव्स ना, ग्लव्स लेके आना भयंकर मोटे वाले, मतलब एक तो वो ले आना, वो डॉक्टर्स वाले नहीं होते अंदर से वो पहन लेना, ऊपर से वो दूसरे वाले होते थोड़ा मतलब हैवी से होते मोटे से, वो लेके आ जाना, जैसे आपने मेरी वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे, तो वैसे ग्लव्स लेके आ जाना। वो मैंने कनाडा से खरीदे थे, क्योंकि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब बहुत दर्द होता है, हद से ज़्यादा दर्द होता है। मैं 2-3 बार फंस गया मेरे को, मैं जब अपने रूम में वापस आया था ना, मैंने हाथ पाँव गर्म पानी में डुबा लिए, और जब जब ठंडे से गर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं ना हमारे, मतलब एक फेज़ आता है उसमें आँखों से आंसू निकल जाते हैं, मैं मजाक नहीं करता, अब लगा लो। तो ये 2-3 एडवाइस हैं, इन्हें मान लेना और गौर करना थोड़ा, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत काम आती है एडवाइस, क्योंकि मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे कनाडा में, एक दोस्त है टोरंटो में, तो वहाँ का सिस्टम यहाँ का सिस्टम अलग है, पर हमारी इतनी बात होती नहीं, कभी कभी होती है जब मुझे काम पड़ता है सच में तभी होती है जब मुझे काम पड़ता है ऐसा। पर वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरा बहुत मदद करी है, तो उसका नाम सक्षम है सक्षम भाई अगर वीडियो देख रहा है तो भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि भाई तूने मेरी सच में बहुत मदद करी।
ठीक है भाई, बस यही एडवाइस थी। और आ जाओ भाई, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बोरिंग लाइफ है, पर अगर पैसा कमाना चाहते हो तो भाई बहुत अच्छी जगह है। मैंने नहीं कमाया अब तक, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पैसा बहुत है। मैं देख चुका हूँ, मैं थोड़ा पैसे में इंटरेस्ट लेता हूँ ना, तो मैंने जैसे किसी को भी जान पहचान, मतलब किसी भी जान पहचान बनती है तो मैं पूछता हूँ फाइनेंशियल सिचुएशन से अपनी, मतलब सेटिस्फाइड होगी नहीं हो, तो हर बंदे ने, लिटरली हर बंदे ने बोला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, और चेहरे पर दिखता है उसके। मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ये आदत पड़ गई मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा बोलने की पता नहीं, तो इसलिए पैसा कमाना है, थोड़ा टाइम पैसा कमाओ, थोड़ा मतलब पैसों से माइंड ओपन करो कि मतलब दुनिया में इतना पैसा है। अब तक मैंने कुछ नहीं करा, फिर भी एडवाइस दे रहा तो ज़रूर करेंगे। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।